गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 29 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें यह बताया गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हो जाएगी। वो नोटिफिकेशन नंबर था 56/2020। इसके बाद कुछ कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट हो गई है कि ये जो एक्सटेंशन है, क्या ये टीडीएस की रिटर्नों पे भी हुआ है, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट करना है एटीसी के अंदर, जिसको 31 जुलाई तक किया गया था, उसकी डेट भी एक्सटेंड करी गई है। अगर नहीं करी गई है तो उनकी डेट्स क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि 2 अगस्त 2020 यानी कि कमिंग संडे को जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है दिन में 11 बजे से 2 बजे तक, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन GSTR 4 जो एनुअल रिटर्न कंपोजिशन टैक्सपेयर के लिए है वो फाइल करना है, उसकी ट्रेनिंग रखी गई है। साथ ही साथ GSTR 3B और GSTR 1 का जो एरर रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ GSTR 3B और GSTR 9 की लिंकिंग जो है उसके बारे में ब्रीफ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है उसकी वर्डिंग्स क्या है। इसकी वर्डिंग्स कुछ इस तरीके से बताई गई है कि इन द फर्स्ट प्रोविजो किसका फर्स्ट प्रोविजो, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020। अब ये जो नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 है, इसका जो फर्स्ट प्रोविजो है वो कुछ चीजों की बात करता है, जिसके अंदर चीजें बताई गई थी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कब तक फाइल करना है, टीडीएस की रिटर्न कब तक फाइल होगी, बाकी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कब तक करना है। इसके अंदर 7 क्लॉजेस दिए गए। इसका जो फर्स्ट क्लॉज है, इसके अंदर 2 सब क्लॉज थे, क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। क्लॉज ए जो है वो बेसिकली बात करता है उन आईटीआर रिटर्न्स की जो कि असेसमेंट ईयर 1920 के लिए है। क्लॉज बी जो है हमारा असेसमेंट ईयर 2021 की आईटीआर की बात करता है। अब जो ये नोटिफिकेशन नंबर 35 है, ये सिर्फ और सिर्फ वो एक्सटेंशन दे रहा है जो कि 35 के फर्स्ट प्रोविजो में क्लॉज 1 के अंदर सब क्लॉज ए में दी गई है। मतलब सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट ईयर 1920 का जो एक्सटेंशन है वो दिया गया है। बाकी के जो क्लॉजेज हैं, जो नोटिफिकेशन नंबर 35 है उसके क्लॉज 1 में तो ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा जो बाकी के क्लॉजेज हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो क्लॉज 2 है नोटिफिकेशन 35 का, वो बात करता है टीडीएस फॉर गवर्नमेंट डिडक्टर की। क्लॉज 3 जो है वो बात करता है टीडीएस फॉर अदर देन गवर्नमेंट डिडक्टर की। क्लॉज 4 जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है हमारे पास टीडीएस को टीडीएस सर्टिफिकेट जो इश्यू होता है उसके रिलेशन में। इसी तरीके से 54 का जो कैपिटल गेन एग्जम्पशन स्कीम से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स करना है उसकी बात की गई है। इसी तरीके से जो डिडक्शंस के लिए जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया था चैप्टर 6A के लिए वो दिया गया है क्लॉज 6 और 7 में। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के लिए एक्सटेंड किया गया है डेट, बाकी और कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ITR for assessment year 1920 जो कि 31 जुलाई तक फाइल करनी थी उसे अब बढ़ा करके 30/9/2020 कर दिया गया है। इसके बाद आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द purposes ऑफ सेकेंड प्रोविजो इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया referred to in subsection 2 of section 207 of income tax act, the tax paid by him under section 140A of that act within the due date before extension provided in that act shall be deemed to be the advance tax. ये क्या हुआ, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। जो हमारा section 207 बात करता है advance tax की, इसके अंदर 2 sub provisions हैं। उसका जो प्रोविजन नंबर 2 है वो कहता है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं यानी कि 60 या 65 ईयर से ऊपर हैं, उनको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो लोग जिनका इनकम
पीजीबीपी से नहीं आता है उन्हें भी एडवांस टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट का पर्पज क्या है? इस अमेंडमेंट का पर्पज है, लेट सपोज असेसमेंट ईयर 1920 के लिए एक्सटेंशन आने से पहले कोई एक सीनियर सिटीजन है जिसने सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेक्शन 140A के अंदर 50,000 रुपए जमा कर दिए, ये सोच के कि 31 जुलाई तक रिटर्न जो है वो फाइल करनी है। अब हुआ क्या, रिटर्न जब एक्सटेंड कर दी गई तो ये जो पैसा जमा हो गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स में, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो 140A के अंदर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स है ये अब एडवांस टैक्स मान लिया जाएगा, यानी कि ये जो पैसा है ये आपके एडवांस टैक्स के रूप में देखा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट ईयर 2021। भले ही आपको एडवांस टैक्स जमा करने की लायबिलिटी नहीं है क्योंकि आपने टैक्स जमा कर दिया और डेट उसके बाद एक्सटेंड करी गई, इसीलिए ये अमाउंट जो है आपको एडवांस टैक्स के रूप में दे दिया जाएगा। यहां पर वही चीजें लिखी गई है कि शैल बी डीम्ड टू बी द एडवांस टैक्स, वो अमाउंट सिर्फ उन लोगों के लिए जो एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए लायबल नहीं है 207 सबसेक्शन 2 के अंदर, जिसमें दो कैटेगरीज के लोग आते हैं, एक तो आते हैं सीनियर सिटीजन और दूसरे आते हैं वो लोग जिनका की कोई पीजीबीपी से प्रॉफिट नहीं होता है या उनका कोई इनकम इस हेड से नहीं आता है। तो ये दो बड़े बदलाव कल किए गए थे 29 जुलाई को। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको हमारी जुलाई महीने की एडिशन की जो मैगजीन निकलने वाली है अगस्त के पहले हफ्ते में, उसमें देखने को मिलेगा। सर मुझे तो मैगजीन अभी तक मिली ही नहीं। मैगजीन अगर आपको नहीं मिली है तो उसको सब्सक्राइब करने के लिए आप इस नंबर पे डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं या अपना नंबर कमेंट बॉक्स में नीचे छोड़ सकते हैं, हमारी टीम आपको सैंपल मैगजीन प्रोवाइड कर देगी, उसके बाद आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के अंदर जो डेट एक्सटेंड किया गया है वो बेसिकली किस चीज के लिए किया गया है। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है वीडियो फॉर्म में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा उसे प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।